हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं द ट्वेल्थ पासर और आज का हमारा वीडियो है एक्सरसाइज 2.2 सेकंड पार्ट, मे बी थर्ड क्वेश्चन से एट्थ क्वेश्चन तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और हमारा यहां पर पहला जो क्वेश्चन है ये प्रूफ करने का कि इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी जाएगी, आपको दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने हैं एक साइड की मदद से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो ये किस तरह से होगा, उम्मीद करता हूँ आपने वो वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के आपको फॉर्मूले, कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे। अगर नहीं देखा है तो आई बटन से जाकर देख लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला इधर लगने वाला है वो उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो वेल स्टार्ट, तो इधर देखिए 1 प्लस कोस एक्स ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स ये होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू में चेंज हो जाएगा, और साइन एक्स जो है वो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू में चेंज हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल और कोस से इधर ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और कोस बाई साइन होता है हमारे पास कोट थीटा, ठीक है। तो इधर भी इसका थीटा एक्स बाई टू, ये भी एक्स बाई टू, तो ये कोट इनवर्स को कोट एक्स बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स बाई टू, कोट से कोट इनवर्स से कोट कैंसिल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, टेन इनवर्स साइन बाई वन प्लस कोस एक्स है और इज इक्वल टू एक्स बाई टू, वहीं प्रूफ करना है। बस इधर पहले ऊपर साइन है, ओके। तो साइन का फार्मूला पुट किया 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, और 1 प्लस कोस एक्स इसका फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू। तो इधर 2 से 2 कैंसिल और कोस स्क्वेयर से इधर ही कोस एक्स बाई टू कैंसिल, ओके। तो साइन बाई कोस होता है 10, तो ये 10 इनवर्स 10 एक्स बाई टू हो जाएगा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल एक्स बाई टू हमारा आंसर हो जाएगा, राइट हैंड के इक्वल प्रूफ हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए, टेन इनवर्स कोस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दिया है हमारे पास पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ऐसे केस में क्या करते हैं कि कोस को और साइन को हम चेंज कर लेते हैं, कोस को साइन में चेंज कर देंगे और साइन को कोस के अंदर चेंज कर देंगे। अब यकीनन आपने ये वाले फार्मूले देखे होंगे, अगर कोस को साइन में चेंज करना है तो पाई बाई टू से उसके एंगल को माइनस कर दीजिए, और ऐसा ही हमें करना होगा साइन के साथ। ये 11th क्लास के अंदर है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं भाई। ये देखिए, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब फॉर्मूला बेसिक वही पुराना वाला फार्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा का हाफ, तो यानी कि पूरा जो एंगल है उसके बाई में 2, और यहीं पर भी ऐसा इसके पूरे एंगल के बाई में 2, इधर 1 प्लस कोस, तो इधर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, यानी कि पूरा जो एंगल दिया है उसके बाई में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल। और जब उनको सॉल्व करेंगे भैया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा। ये कैसे आया था कि जब हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स इसके पूरे के बाई में 2 किया था, तो उसको सॉल्व करने पर आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये सॉल्व करना भी नहीं आता तो भी आपका मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसी के साथ अपन देखते हैं जो है सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स पार्ट इसका थर्ड क्वेश्चन का, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 के इक्वल। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही 1 माइनस कोस एक्स वाला वो फार्मूला। तो 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स होता है हमारा 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 के इक्वल। अब जैसा कि इधर से आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, ये जो साइन बाई कोस होता है 10 के इक्वल, तो ये 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 में चेंज हो जाएगा। अब एक एलिमेंट के ऊपर स्क्वेयर है और अंडर रूट है, तो ये स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2, तो 10 से 10 हो जाएगा हमारा कैंसिल, और एक्स बाई 2 जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगा।
अब इसी के साथ इसका जो है अगला पार्ट देखते हैं क्या है। ये है दोस्तों टेन इनवर्स सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे सॉल्व। क्या होगा, सिकेंट का फार्मूला होता है वन बाई कोस एक्स और टेन एक्स का होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स। इनमें ओपन कर देंगे, उसके बाद देखिए इधर ये नीचे वाला सेम है तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अब वहीं पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है ये, जो हमने इससे पहले वाला एक क्वेश्चन किया था थर्ड क्वेश्चन का, जो थर्ड पार्ट हमने किया था। अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ वहीं करना है हम लोगों को। इसमें साइन को और कोस को, साइन को कोस में चेंज किया, कोस को साइन में, और ऊपर जब वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स हुआ तो उसका फार्मूला हमने टू कोस स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब देखिए कोस बाई साइन बचा हमारे पास सब कुछ काटने के बाद। अब कोस बाई साइन तो होता है कोट, इधर है हमारे पास टेन, तो इसको जो कोट है इसको हम टेन में चेंज करेंगे। वो कैसे, जो इस पूरा एंगल है इसमें से पाई बाई टू को माइनस कर देंगे, और जब पाई बाई टू को माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू बचेगा। तो इधर देखिए टेन इनवर्स से टेन कैंसिल और पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब भैया इसी के साथ इसका जो है सेवन्थ पार्ट भी देख लीजिए। ये कैसे है, इसमें दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, इसके पूरे के बारे में रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम प्रूफ करना है पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब भैया काफ़ी सारे बंदे एक बात कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन के अंदर एक्स की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है। अब इससे पहले एक लाइन में ऐड करना भूल गया कि ये क्वेश्चन जो है एक्स की वैल्यू पुट करके सोल्व होगा। अब वो कैसे, एक तो भैया पहली बात होती है प्रैक्टिस, और दूसरी बात क्या होती है, जब आप इस तरह का नया एलिमेंट ऐड देखेंगे तो उससे आपको अनुमान लगाना होगा कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ऐसे केस में आप इसको थीटा के इक्वल रख के देख लीजिए, जब आप इसको थीटा के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू कोस टू थीटा मिलेगी। अब फिर यहाँ से वापस थीटा की वैल्यू निकालेंगे वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए इधर जब आप पुट करेंगे कोस टू थीटा कोस टू थीटा, तो ये सभी वन प्लस कोस टू थीटा और वन माइनस कोस टू थीटा के फार्मूलाज के अंदर चेंज हो जाएंगे। जब आप फॉर्मूलाज के अंदर इनको इंटरचेंज करेंगे उसके बाद आपके पास इधर अंडर रूट टू और कोस एक्स माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स ऐसे ही नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो इधर से अंडर रूट टू आपको बाहर निकालना होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आपके पास बचा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इस केस के अंदर बुक में आपको आराम से एक जुगाड़ दिया है, मतलब फॉर्मूला लगा लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा केस हो जाए तो आप क्या कीजिए कि पूरे इसको जो है आप कोस के साथ डिवाइड कर दीजिए, नीचे और ऊपर कोस से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोस तो ये वन बन जाएगा और साइन जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो है आपका दिखेगा वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा, आपको ये आपको मिलेगा। अब वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा का फार्मूला होता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। ये फार्मूला भी मैं अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वीडियो है पार्ट टू के अंदर मैं इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप आई बटन से देख सकते हैं या चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो इससे टेन से टेन कैंसिल, टेन बाई पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू इधर आप पुट कर दीजिए। जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड का इक्वल आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जो ये दिए हैं इन्होंने फंक्शन, इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म के अंदर लाना है। तो ये किस तरह से होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, साइन इनवर्स एक्स बाई रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिनकी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है,
तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो यकीन मानिए आप इन क्वेश्चन को मरते दम तक नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो एग्ज़ाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया तो दिखाई देने पर आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेनी होगी ए टेन थीटा। ए टेन थीटा क्यों लिया? ताकि ए जो है कॉमन आ जाए, और इधर टेन होने से अपन इसको जो है सॉल्व कर लेंगे और आप एट द एंड अपने पास साइन बचेगा। तो अब क्वेश्चन देखिए, ये अपने ए टेन थीटा पुट किया तो ये इधर से थीटा की वैल्यू आई टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जब इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर। तो इधर से ए स्क्वेयर के कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, मल्टीप्लाइड हैं, तो इससे ये जो है अंडर रूट से इस वाला रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो ए और ए से ए कैंसिल हो गया। अब इसको जब आप देखेंगे तो आपके पास 10th क्लास के अंदर ये फार्मूला होता था सीकेंट थीटा का, तो ये सीकेंट थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। ये जब सीकेंट थीटा के अंदर इंटरचेंज हो गया, ऊपर है 10th थीटा। इनको इनके बेसिक फार्मूला के अंदर ओपन कर लीजिए, जो होता है साइन थीटा कोस थीटा, और सेकेंड थीटा का होता है 1 बाई कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, तो इधर हमारे पास साइन थीटा जो है बच जाता है। अब क्या, तो दोस्तों अब जो है हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है जो कि हमें मिली है साइन थीटा। तो इसकी पूरी के जगह पर जब साइन थीटा पुट करेंगे तो इससे ये कैंसिल और हमारे पास थीटा बचता है, और थीटा की वैल्यू थी 10 इनवर्स x/a, जो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन का, वो है कोस इनवर्स x/√x² + a² जो ब्रैकेट है वो तो बिल्कुल एज इट इज है, चेंज किया है कोस इनवर्स। तो ऐसे में हम भी क्या चेंज करेंगे, टेन के स्थान पर कोट कर देंगे। तो इससे थीटा की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी कोट इनवर्स x/a, और एक्स हमने रेट किया है ए कोट थीटा। जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद सेम केस रहेगा, बस इधर आपके पास जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपके पास रूट कोट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 बचेगा, जो कि कोसिकेंट थीटा का फार्मूला होता है। और जब आप कोट थीटा को इसके बेसिक फार्मूला जो कि हमारे पास होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसिकेंट को 1/sin थीटा के अंदर ओपन करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल और हमारे पास इधर कोस थीटा जो है वो बच जाता है। अब इस पूरे की वैल्यू मिली है हमें कोस थीटा, तो इधर कोस थीटा को पुट किया तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल और हमारे पास बचता है थीटा, जिसकी वैल्यू है कोट इनवर्स x/a। ये हो जाता है हमारा आंसर। ओके, तो अब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लिया जाए। ये क्या है दोस्तों, ये है 10 इनवर्स √(a − x/a+x). तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें एक्स के स्थान पर अपन को पुट कर लेना है। लेट या पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो जब आप ये पुट कर देंगे तो इधर ए से ए तो कॉमन निकाल लेंगे और ए से ए कैंसिल, आप देख लीजिए एक बार रिटर्न में, तो ये इधर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों काफ़ी मैथ के पॉपुलर फॉर्मूला है, 1 − cos θ इज इक्वल टू 2 sin²θ/2, और 1 + cos θ इज इक्वल टू 2 cos²θ/2। 2 से 2 कैंसिल, ये 10²θ हो जाएगा, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल और ये 10θ/2। ठीक है, तो 10 इनवर्स, अब इसकी वैल्यू हमें मिली है 10θ/2, पुट कर दिया 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, और ये θ/2 हमारे पास बच गया। θ/2 की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू है, पुट कर दीजिए कोस इनवर्स x/a। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन का जो है फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास क्या दिया है इन्होंने, साइन इनवर्स sin x + cos x/√2। इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए, देखिए दोस्तों, जहां पर भी आपको √2 मिले, यानी कि इसको एक तरह से हम 1/2 देख सकते हैं, जो कि साइन एक्स और कोस एक्स से मल्टीप्लाई है, तो इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे केस में इसकी जो है ये हमारे पास वैल्यू होता है cos π/4 और sin π/4 का। तो इसको देखते हुए हम इसको तो लिख देंगे cos π/4 और इसको लिख देंगे sin π/4, क्योंकि
कोस एक्स इंटू कोस पाई बाय फोर प्लस कोस एक्स इंटू साइन पाई बाय फोर, ये जो है फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर का। और यहाँ पर अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक्स प्लस पाई बाय फोर जो है रह जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अब ये जो है ये आपका 11th क्लास के अंदर फार्मूला था। अगर आपके पास अभी भी मैथ अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं, या फिर इंटरनेट से देख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के अंदर, इंस्टाग्राम जो मेरा पेज है, सॉरी पेज नहीं आईडी है, वहाँ पर सर्च कीजिए द 12th पासर, वहाँ पर मैंने पोस्ट किया हुआ है ये फॉर्मूला। तो इसी तरह हम जाते हैं जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये फिर से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ गए। सिंपल क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय फोर, ये हमें शो करना है। अब पहली बात तो ये देखिए कि ये जो है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो है ये फार्मूला होता है। अब जब इधर हमारे पास पाई बाय फोर मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि इनको सोल्व करने के बाद हमें मिला होगा टेन इनवर्स वन, क्योंकि टेन इनवर्स वन की वैल्यू हुई होती है पाई बाय फोर। अगर आपके पास एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जब टेन इनवर्स की एक्स और वाई को ऐड करना हो और इज इक्वल टू पाई बाय फोर हो, तो उस केस में अगर आपका वन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि इसका फार्मूला आपकी बुक के अंदर है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फार्मूला बुक से देखिए, ये आपका काम है, ठीक है। आपको स्कूल से कुछ काम मिलता है, आप थोड़ा सा यूट्यूब से काम ले लीजिए। तो जब आप इस ये फार्मूला हमने पुट किया है एक्स वाई एक्स प्लस वाई बाई वन माइन वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6/5/6 हो जाएगा, ये इसे कैंसल, टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब अगर ये आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो अभी से आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आप मैथ जो है छोड़ दीजिए और इसके बाद मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। लेट स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, एक बार रीड करते हैं क्या है। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपके पास ये जो है वैल्यू मिल जाएंगी आपको, और सॉल्व करने पर आपके पास टेन इनवर्स 3/4 आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए। एक्सप्लेन की मैं नहीं मानता कि इसमें एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत है। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट एक बार देख लीजिए, ये बस वही है, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13 है। तो इसमें भी देख लीजिए कुछ इस तरह से फार्मूले में के अंदर पुट हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्ज़ाम के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट इधर देख सकते हैं आप कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बट इस वक्त ये क्वेश्चन एक बच्चों का क्वेश्चन है, आपको बस जोड़ घटा गुणा और सूत्र आना चाहिए। हमारे एक टीचर थे, हमें कहते थे कि मैथ में आपको आना चाहिए सूत्र, और अगर आपको आता है सूत्र तो लगाओ सूत्र पाओ उत्तर। तो इसी तरह से अपन इसका जो थर्ड फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये आया है आप कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि ये CBSE 2012 सी 2008 सी और HBSE में 2017 के अंदर आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब भाई पाई बाई फोर देख के एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास टेन इनवर्स 1 आने वाला है। तो सबसे पहले इनको ऐड कैसे करेंगे, तो इनको दो दो को दो दो के पेयर बनाकर ऐड करेंगे, ठीक है। पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, इन दो को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू, इनको सॉल्व करते चलेंगे, ये इधर भी सॉल्व किया, इसको एज इट इज रखा, उसके बाद इधर टेन इनवर्स 7/10 9/10 ये आ गया, और ये एज इट इज रखा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड आपके पास टेन इनवर्स 7/9 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बचा। अब इन पर फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, एक बार बस बताने के वास्ते बता देता हूँ कि जो फार्मूला है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई,
अब भैया ये जो फार्मूला है गलत है, ये मैंने क्यों बताया, ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ। मैंने भी मेरी क्लास के इधर किया था कि इधर आगे जो है टेन इनवर्स आता है, मेरा एक नंबर इस वजह से चला गया था, तो आगे टेन इनवर्स लिखना कभी मत भूलना। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास 65/72 / 65/72 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 1 आने के बाद 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, तो फिर से एक ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे कि एक पेयर तो आप ये बना लीजिए, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, फिफ्थ पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और रीड कर लीजिए, ठीक है, और एक पेयर आप ये बना दीजिए, इन पर अलग अलग आप फार्मूला लगाए थे, चलिए एक इस तरफ एक इस तरफ, वैल्यूज को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, करते चलेंगे तो आपके पास एट द एंड आपके पास इधर दो बच जाएंगे। अब इन पर वापस से वही वाला फार्मूला आप लाए, जब आप करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास टेन इनवर्स 1 बचेगा, जो होता है π/4 के इक्वल। इसको भी ऐसे ही ट्रक आ दिया, जानबूझ की ट्रक आया है, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये दिखाया भी इस वजह से गया है क्योंकि ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मल्टीप्लाई वगैरह में तो आप देख ले। हालांकि अगर इस क्वेश्चन सॉरी इस क्लास के अंदर भी आप मल्टीप्लाई में गलती करते हैं तो दोस्तों मैच छोड़ दीजिए। दोस्तों इधर ये जो है अपना सिक्स्थ पार्ट आता है इस एक्सरसाइज का, क्या है, 4 tan inverse 1/5 minus tan inverse 1/17 plus tan inverse 1/99 = π/4। अब काफ़ी देर बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। अब ऐसे केस में अगर आपको कहीं पर भी आगे 4 या 2 या 8 इस टाइप में आपको अगर आगे मिल जाए, तो ऐसे केस में आप इसको 2 × 2 में डिवाइड कर दीजिए। 2 × 2 इसको तो ऐसे इसको तो नॉर्मली इधर से माइनस जब आप कॉमन करेंगे तो ये माइनस के ये आपको मिल जाएगा। इस पर जो आपका एक फार्मूला होता है 10 inverse -x - 10 inverse -y = होता है हमारा 10 inverse x - y / 1 - xy। ये फार्मूला लगा दीजिए, आपको जो है आंसर इधर से, और इसको सॉल्व करते हुए चलिए यहाँ तक, ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए आपको यहाँ तक आना है। ओके, रीड कर लीजिए इसको, अपना मेन फोकस करते हैं अपन यहाँ, ठीक है, इस जगह पर। तो हमने इसको 2 और 2 के अंदर अलग अलग कर लिया। तो अब ये देखिए, ये जो है 2 tan inverse x का फार्मूला होता है, जो कि 10 की फॉर्म के अंदर होता है, हमें 10 की फॉर्म के अंदर ही चाहिए। ये वैसे साइन और कोस के अंदर फॉर्म में भी अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हमें ये 10 inverse की फॉर्म में चाहिए। तो ये फार्मूला होता है 10 inverse 2 × 2x / 1 - x² 2x / 1 - x² बिल्कुल वही फार्मूला हमने इधर लगा दिया। लगाने के बाद सॉल्व करने पर हमें 10 inverse 5/12 और इधर 2 फिर से मिला। अब जब इसको सॉल्व करते हुए गए इधर तक, ये सॉल्व ये तो सोल्व हो रहा है अलग से, ये बस रीड करना है आपको। इसके अंदर अपन ने क्या किया, दोबारा से 2 tan inverse x का फार्मूला लगा दिया। अब दोबारा से जब लगाएंगे तो सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 10 inverse 1/20 / 1/19 - 10 inverse 1/239। ओके, तो ये जब आपने क्या है इनको इन पर दोबारा से वही फार्मूला 10 inverse x - 10 inverse y का फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, क्या होता है 10 inverse x - y / 1 + xy। तो इनको सोल्व करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह की वैल्यूज आपके पास आएंगी, ठीक है, इनको रीड कर लीजिए, 28561 28441 और बाई में भी वही है, तो कैंसिल होकर आपके पास जो है 10 inverse 1 होगा, जिसकी वैल्यू होती है 4/5, जो इक्वल है हमारा RHSK। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसका जो है सेवन्थ और लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। इसमें क्या, बस बिल्कुल ये भी वही आसान क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया कि इन्होंने जो 10 है उसको कोट के अंदर चेंज कर रखा है। तो ये cot inverse 7 + cot inverse 8 + cot inverse 18 और वैसे ही cot inverse 3 है। तो क्या है कि आपको इधर बस सॉल्यूशन करके लिखना है, LHS = करके इनको जो है 10 में ओपन कर देना है। तो
बाई में वन हो जाएगा, सभी के सभी वन बाई में चले जाएंगे, और जाने के बाद अलग अलग आपको पहले इस पर फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अब तो वहीं आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला, तो इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू जो आ जाएंगी, टेन इनवर्स 3/11, और ये टेन इनवर्स 1/8 तो अलग से पढ़ा ही था आपके पास। अब टेन इनवर्स 3/11 और 1/8 में वो फार्मूला लगा दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, इधर रीड कर लीजिए, ये आपके पास डिजिट आने वाली है। उसके बाद आपके पास जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी। इनको में 198 से 198 कैंसिल हो जाएगा, और 65/195 को जब आप करेंगे डिवाइड, तो ये 65 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1595 आपके पास मिलेगा। तो यानी कि इसे डिवाइड होता है 3 पर, तो 10 इनवर्स 1/3 हमारे पास आता है। और जब 10 इनवर्स 1/3 को कोट के अंदर चेंज करेंगे तो 10 इनवर्स 3 में चेंज होगा, जो कि इक्वल है हमारा राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा आंसर। और दोस्तों, ये वीडियो जो है पहले ही काफ़ी लेंथी हो चुका है, और हमारे इस चैनल पर इतना लेंथी वीडियो कोई भी नहीं है। मैं खासकर इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कोई भी ज़्यादा वीडियो 20 मिनट से लंबा ना हो, बट ट्रिग्नोमेट्री होने की वजह से ये वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ बंद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोशिश मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है इस वीडियो से सॉल्व ही हो। और इसी के साथ, हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। हालांकि ये बात पहले बोलने की थी, क्योंकि बहुत कम ही बंदे होते हैं जो बिल्कुल एंड तक आते हैं। तो ये बात कहना चाहूँगा कि 5.1 का जो सॉल्यूशन, सॉरी, 5th चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे हिसाब से 27 तारीख, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 24 तारीख है, तो 27 तारीख तक मैं आपको जो है मैथ का 5th चैप्टर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे अपना इतना ज़्यादा अनमोल कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और बस इसी के साथ मैं जे साइनिंग ऑफ।